हेलो एंड वेलकम टू द करंट सेशन ऑन कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल मैं हूं निकत परवीन खान और आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं फर्स्ट सेवेंथ अक्टूबर यानी लास्ट के पूरे वीक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बातें जो खास तौर पे पॉलिटी पॉलिटिक सेक्शन से रिलेटेड है ठीक है तो पॉलिटी करंट अफेयर्स लास्ट वीक क्या कुछ रहे देखते हैं हम सबसे पहले न्यूज फ्लैश में

कि जो राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा उन्हें मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और द लास्ट न्यूज इज तेलंगाना राष्ट्र समिति टी आर एस जो आप जानते हैं तेलंगाना की प्रमुख पार्टी है का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बी आर एस किया गया ये तीन चार इंपॉर्टेंट न्यूज है पॉलिटी के सेक्शन में लास्ट वीक देखते हैं कि करके इनकी डिटेल्स सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो नए नियुक्त किए गए हैं देखिए जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी न्यू रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको आपको करंट में कवर करना पड़ता है है ना अटॉर्नी जनरल हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए चीफ जस्टिस हो गए आप इनको कवर करते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी जरूरी होता है और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी जरूरी होता है तो इसलिए ये मैं कंसिडर करूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है लास्ट वीक की तो इंडिया को मिल गए हैं सिक्सटीन अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए और उनका नाम है आर वेंकट रमणी आर वेंकट रमणी जो है जो इनकम्बेंट अभी अटॉर्नी जनरल थे के के वेणुगोपाल उनकी जगह लेने वाले ठीक है देखिए के के वेणुगोपाल जो है उनका कार्यकाल पूरा हो गया तीस सेप्टेम्बर को और इस वजह से एक अक्टूबर से अब नए जो अटर्नी जनरल हैं वो आर वेंकट रमणी होंगे तो इनके बारे में कुछ बातें जो दी गई उसे पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें तीन साल के लिए भारत के नए अटर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया आप कहेंगे भाई अटर्नी जनरल तो हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में तीन साल के लिए क्यों इनका जो कार्यकाल होता है वो तो पाँच साल होता है भाई आप इतना तो पढ़े होंगे ना कि अटॉर्नी जनरल जो होता है ही सर्व एज दाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट के वकील के तौर पर वो काम करता है भले संवैधानिक पद है ये लेकिन वो गवर्नमेंट के वकील के रूप में काम करता है और ये एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है यानी ये जब चाहे राष्ट्रपति से हटा सकता है ठीक है मतलब जब चाहे कर, जब चाहे चाहे नियुक्त करे हटा दे तो वैसे अगर नहीं हटाता तो पांच साल का टर्म है राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है याद रखिए इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है तो तीन साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया वेंकट रमणी एक सीनियर एडवोकेट है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में बयालीस साल का अनुभव है ध्यान रखेगा इनका अनुभव ये सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के वह मौजूदा अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल

सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी कोई पक्ष रहेगा तो वो यही रखेगा ये यह हम जानते ही हैं तो ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई है कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, है कौन से नंबर के अटर्नी किन को रिप्लेस किया ये इंपॉर्टेंट है और जब यह डायनेमिक चीज आती है तो फिर स्टैटिक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका उल्लेख आर्टिकल सेवेंटी में किया गया है ये इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के किसी भी कोर्ट में करेगा इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और इसकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए होती है ठीक है तो एक याद रखना है एक सीनियर एडवोकेट तो आप जानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन कि कम से कम दस साल का उन्हें एडवोकेसी का अनुभव हो तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं तो बिल्कुल वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी रहती है तो क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पूरी की इसलिए आज वो इस पद पर नियुक्त किए गए हैं तो ध्यान रखेंगे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल उनकी क्वालिफिकेशन उनका टेन्योर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने सुना होगा इनके अपॉइंटमेंट के दौरान कि जो वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी इंडिया के अटर्नी जनरल थे उन्हें फिर से कहा गया था कि आप अटॉर्नी जनरल बने लेकिन उन्होंने मना कर दिया करके इन्हें बनाया गया इसका एक और मतलब आता है कि संवैधानिक पद होने के बावजूद अटॉर्नी जनरल जो है वो रीअपॉइंट हो सकते हैं अगर उन्हें कहा गया वो पहले भी थे मतलब अटर्नी जनरल कैन बी री अपॉइंटेड मुकुल रोहतगी पहले अपॉइंट हो चुके थे अटर्नी जनरल के रूप में उसके बाद के के वेणुगोपाल आए अभी उनसे फिर कहा गया उन्होंने मना कर दिया करके आए इसका मतलब ये है कि हो, तो है, है तो हो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटर्नी जनरल में ठीक है और उसके अलावा ये अपॉइंट हो सकते हैं इंडिया के सबसे ऊंचे विधि अधिकारी होते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात जो अटर्नी जनरल के बारे में आप अक्सर पढ़ते हैं वो ये है। कि इनके पास संसद की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है विदाउट अ राइट टू वोट वोट भले नहीं डाल सकते पर जो भी संसद की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइन विद डैट ये स्टैटिक पार्ट था जो इससे रिलेटेड था बाकी जो मैंने डायनेमिक पार्ट इस स्लाइड में दिए उसे नोट no डाउन कर लें दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे नेक्स्ट न्यूज सिंपल एक अपॉइंटमेंट का है मैं बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में बताऊंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है अगेन इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी जो है यहाँ पर भी एक नई नियुक्ति हुई है उनके महानिदेशक की यानी कि डीजी की जिनका नाम है अनिश दयाल सिंह ठीक है तो अनिश दयाल सिंह आईटीपीबी के बत्तीसवें प्रमुख होंगे ही विल बी द थर्टी सेकेंड हेड ऑफ आईटीबीपी और ये डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन की जगह लेंगे ही विल बी रिप्लेसिंग डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन को रिप्लेस करेंगे ठीक है ये ध्यान में रखिए बत्तीसवें प्रमुख होंगे रही बात आईटीबीपी की तो आप जानते ही होंगे कि आईटीबीपी जो है इसे जो स्थापित किया गया उसका खास जो मकसद था वो था भारत चीन सीमाओं की रक्षा ठीक है इंडिया और चाइना के बीच में आप हमेशा से जानते हैं कि बॉर्डर इश्यूज चलते आ रहे हैं हमारे और चाइना के बीच में जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों से लगा हुआ भारत का हिस्सा चीन का हिस्सा ये हमेशा से विवादित रहा है उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की तरफ वाला क्षेत्र हो कश्मीर वाला क्षेत्र ये पूरी भारत चीन सीमा जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमेशा विवादों में रहती है दोनों देश के बीच में कला की वजह बोन ऑफ कंटेंशन बनी रहती है और इसी वजह से ख़ासतौर पे उस सीमा की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी के लिए सन उन्नीस में ये ठीक है आप जानते हैं ना भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसी टाइम ये इंडो टेबेटियन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर 2022 को ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे करने वाला है क्योंकि उन्नीस में इंडो चाइना वॉर के समय इसकी इसका गठन हुआ था ठीक है तो आईडीबीपी क्या है इसका गठन कब हुआ खासतौर पर ये भारत चीन सीमा की रक्षा करता है ये ध्यान रखें और डायनेमिक में याद रखें कि इसके नए जो महानिदेशक हैं वो है अनिश दयाल सिंह उन्होंने इनको रिप्लेस किया दैट इज इट चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट की एक न्यूज़ है वहां पर जो मेघालय है मेघालय के जो गवर्नर है उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के वजह से एक दूसरे गवर्नर को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया मतलब ऐसा है कि कायदे से कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या कार्यकाल पूरा हो जाने से पहले पहले ही नया गवर्नर नियुक्त हो जाना चाहिए था बट ऐसा किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया तो जो तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनको मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया क्या कह रही हूँ मैं कि मेघालय के गवर्नर का कार्यकाल पूरा हो गया उससे पहले नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हुआ इस वजह से अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान के गवर्नर है उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया मेघालय का ठीक है और उनका नाम है बी डी मिश्रा बीडी मिश्रा और मेघालय में अभी जो गवर्नर जिनका कार्यकाल पूरा हुआ उनका नाम है आपका सत्यपाल मलिक ठीक है तो सत्यपाल मलिक का कार्यकाल पूरा हुआ और बीडी मिश्रा जो कि अरुणाचल के गवर्नर हैं वो वहाँ के नए गवर्नर या मैं कहूँ अतिरिक्त प्रभार वाले गवर्नर बन गए ठीक है बीडी मिश्रा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमित व्यवस्था होने तक मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे नियमित व्यवस्था का मतलब जल्द से जल्द मेघालय में नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तब तक ही यही संभालेंगे ये तो बात सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था जो कि डायनेमिक इश्यू था बाकी इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको गवर्नर से संबंधित बताना चाहती हूँ अतिरिक्त प्रभार गवर्नर संभालता ये सब समझते हैं सब जानते हैं आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है आप जानते ही हैं कि राज्य प्रमुख के रूप में गवर्नर का पद सृजित किया गया हमारे संविधान में लेकिन गवर्नर की अनुपस्थिति में कोई भी डिप्यी गवर्नर या वाइस गवर्नर नहीं होता जैसे सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है उसकी अनुपस्थिति में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा लेकिन राज्य स्तर पर गवर्नर के बाद कोई वाइस गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर नहीं होता तो इस वजह से अगर किसी वजह से गवर्नर का पद खाली हो गया गव गवर्नर अनुपस्थित हो अनवेलेबल हो, हो तो ऐसे में फिर कोई वाइस गवर्नर उसकी भूमिका नहीं निभाएगा ऐसे केस के लिए ही ये प्रावधान रखा गया है कि किसी दूसरे राज्य का गवर्नर उस वेकेंट सीट का या उस वेकेंट गवर्नर वाली सीट के राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभालेगा वो दोनों जगह का काम करेगा ठीक है ये प्रावधान है आप जानते हैं अब इसमें खास बात यह है कि कई लोग पूछते हैं कि मैडम तो फिर उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी तो ध्यान रखिए ये इसका एक्स्ट्रा काम है उसका मेन काम जो है वो उस राज्य का है जैसे कि बीडी मिश्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ये हैं गवर्नर तो उनको सैलरी अरुणाचल प्रदेश के राजकोष से दी जाएगी एक ही सैलरी मिलेगी दो सैलरी नहीं सैलरी एक मिलेगी कहां से मिलेगी जो प्रिंसिपल स्टेट है अरुणाचल प्रदेश जहां की यह है ओरिजिनली वहाँ से सैलरी मिलेगी हाँ जो दूसरा आपका स्टेट है जैसे मेघालय के अतिरिक्त प्रभार को संभालेंगे तो वहाँ से कुछ केयर टेकिंग अलाउंस इनको दिया जाएगा सिर्फ भत्ते दिए जाएंगे जो भी ये कार्य है वहाँ पर करेंगे उस वजह से गवर्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है इस वजह से सुपरविजन दोनों जगह के आराम से कर सकते हैं ध्यान रखना इस मामलों में थोड़ी बहुत इनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी रहती है जब वो सेकेंड वाले स्टेट के ऊपर कुछ सेकेंड वाला जो स्टेट या अतिरिक्त प्रभार में संभाल रहे हैं उससे संबंधित कोई फैसले ले रहे तो उनके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती है ठीक है और उनको जो पैसा मिलता है वो उनके राज्य का मिलता है बस केयर टेकिंग अलाउंस वहां से मिलता है ये दोनों राज्य के राजभवन में रह सकते हैं बाकी के के जितने पावर्स गवर्नर होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं लेकिन दोनों राज्य के राजभवनों में ये रह सकते हैं ये कुछ छोटी सी बात आपको इसके जरिए मैं बताना चाहती थी, थी डायनेमिक पार्ट जो है वो है इनका नाम और कौन से दो राज्य इन्वॉल्व है ठीक है चलिए बढ़ते आगे लास्ट न्यूज ऑफ द डे में और वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया तो अपकमिंग जो इलेक्शन है टू उसमें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टी आर एस भी चुनावी मैदान में, में उतर रही है और वो भी भाजपा के खिलाफ ठीक तेलंगाना के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जिनको शॉर्ट में के कहा जाता है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम बीजेपी के खिलाफ नेशनल इलेक्शंस में उतरेंगे 2024 में और जब ये नेशनल इलेक्शंस में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी में तेलंगाना वर्ड जो आता है वो थोड़ा सा उसको रीजनल टच दे देता है और इस वजह से उन्होंने अपने पार्टी के जो मेंबर्स उनके सामने प्रस्ताव रखा है प्रस्ताव पारित भी हो गया है कि टी की जगह अब ये भारत राष्ट्र समिति होगी तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह भारत राष्ट्र समिति हैदराबाद जो कि यहाँ की राजधानी है तेलंगाना की में पार्टी मुख्यालय में मंत्रियों सांसदों विधायकों एमएलसी और जिला स्तर के समन्वयकों की बैठक में राव ने नई पार्टी की घोषणा की के 2024 के आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं डायनेमिक पार्ट है बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्ट्रैटेज पार्ट नहीं है ठीक है बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो गठन हुआ है वो किसने किया है कौन सी पार्टी का नाम बदल कर किया गया है और क्यों किया गया इसके जरिए एक चीज़ है जो आपको मैं एक वर्क के तो, तौर पर कर दे रही हूँ मैंने पहले कई सारे करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कई सारे करंट अफेयर्स की जो वीडियोज है उसमें इसको समझाया है लेकिन अभी इस न्यूज़ के बाद आप फिर से उसे जा करके रिवाइज कर लेंगे वो ये कि कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी यानी कि राज्य की पार्टी की जो रिकग्निशन है वो प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं और कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का रिकग्निशन प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा करने होते हैं कब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है कब कोई पार्टी राज्य की पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है क्या प्रावधान है मैंने कई बार बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया है मेरे रेगुलर वीडियोज में लास्ट ईयर के एफ में भी और स्टार्टिंग के कुछ करंट अफेयर्स के सेशन में भी फिर भी क्योंकि ये रिपीटेडली क्वेश्चन आता है आ सकता है तो जरूर देख लें राज्य पार्टी और राष्ट्र पार्टी के बीच में क्या क्या क्राइटेरिया के डिफरेंसेस होते हैं कहीं कुछ आपको आपको कोई होती है तो आप उसको बाद में कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई कर सकते हैं मेरे हजार है सीधा -सीधा है, है तो चौबीस के जो आम चुनाव है सेंट्रल वाले उसमें मैदान में उतरेगी ठीक है सो दैट इज इट विद द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द लास्ट वीक रिलेटेड टू पॉलिटी आगे के जो भी आपकी न्यूज होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी थैंक यू सो मच